आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ कि आप आपका लैपटॉप कैसे क्लीन कर सकते हो। तो मैंने एक वीडियो कवर किया था, आई बटन में उसकी डिटेल्स दे दी है, जहाँ पे आप अगर आपका पुराना लैपटॉप किसी को देते हो तो आपको क्या इंपॉर्टेंट टिप्स ध्यान में रखने हैं। उसी के साथ आपको आपका अगर पुराना लैपटॉप देना है तो प्लीज़ किसी को भी ऐसे दीजिए कि आप उसे नया लगे। तो आपको आपका लैपटॉप कैसे क्लीन करना है, और ये वाली जो टिप है वो आपके रेगुलर मेंटेनेंस के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम जाएंगे लैपटॉप की तरफ और मैं आपको क्लीनिंग का पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। सो मुझे एक्चुअली ये वैक्यूम मेरे लैपटॉप के साथ मिला था, जिससे मैं इसके जो स्पेसेस है और जहाँ पे भी डस्ट लगा हुआ है, मैं यहाँ पे आप देख रहे हो मैं स्क्रीन को यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लैपटॉप नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, माइक्रोफाइबर क्लोथ आता है जिससे आप डस्ट क्लीन कर सकते हो। माइक्रोफाइबर क्लोथ क्या होता है उसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सेकेंड है ये LCD स्क्रीन क्लीनिंग किट, ये भी मुझे मेरे लैपटॉप के साथ मिली है। बाकी आप ये है माइक्रोफाइबर क्लोथ, इसकी जो भी डिटेल्स है आप कैसे अमेज़ोन के लिंक से आप ख़रीद सकते हो मैं आपको दे सकती हूँ। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स लगेगी, जैसे माइक्रोफाइबर क्लोथ और ये स्क्रीन किट का जो ये बॉडी ये जो बॉटल है वो आपके पास होना चाहिए, आपको आराम से ईजिली मिलेगा और उससे आप क्लीन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको क्लीन करके बताती हूँ। से मैंने जैसे थोड़े ड्रॉप्स मैंने इसको स्प्रे किया है और ये जो माइक्रोफाइबर क्लोथ है इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। सो इजीली आपको आराम से करना है, जेंटली आपको इसको रब करना है और सारी जो डस्ट है वो क्लीन हो जाएगी और आपका जो लैपटॉप है आपको एकदम नया के जैसा लगेगा, डस्ट भी नहीं रहेगा। कीज़ को जब भी आप रब कर रहे हो आपको ध्यान रखना, एकदम जेंटली आप इजीली कर सकते हो। इसके अंदर आप जैसे अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो काफ़ी डस्ट हो सकता है, पॉसिबल है, ऑफिस में तो इतना डस्ट जाने की संभावना बहुत कम होती है, बट आप इजीली जेंटली इसको रब कीजिए और सारे जो डस्ट है जो कीबोर्ड्स के अंदर बटन के बीच में गया है वो आप इसको क्लीन ऐसे कर सकते हो। बॉडी को भी आप आराम से कवर कर सकते हो और इस तरह से मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कर दी है। बॉडी के यहाँ पे आपको इस तरह से आराम से क्लीनिंग करना है जिससे सारे कॉर्नर में जो भी डस्ट चला गया हो उसको आप निकाल सकते हो। स्क्रीन पे ये स्प्रे को प्रेस करो, एकदम हल्का सा आपको सिर्फ एक या दो बार ही स्प्रे करना है और उसके बाद आपको देखिए जेंटली इसको रोटेट करना है जिससे आपके जो ग्लासेस है लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो ईजिली क्लीन हो जाए। इस तरह से वैक्यूम को रोटेट भी कर सकते हो, जैसे बॉडी के यहाँ पे अगर कोई भी तरह का डर्टीनेस गया हो तो वो क्लीन हो जाता है। मैं आपको ये वाला जो स्क्रीन है यहाँ पे ये वाली बॉडी का जो पार्ट है मैं आपको क्लीन करके बताऊँगी, आप बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस आप खुद फर्क कर पाएंगे। आराम से आपको स्प्रे डालना है और उसके बाद सिर्फ आपको क्लीन करना है। आप देख सकते हो डिफरेंस बिफोर, पहले इसमें जो डस्टीपना था और अभी क्लीन के बाद मेरा जो माइक्रोफाइबर क्लोथ है वो डस्टी हो गया है और मेरी जो लैपटॉप है एकदम क्लीन होते जा रहा है। तो अभी मेरा क्लीन हो गया है लैपटॉप, आप बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरह से इसका जो बॉडी है वो क्लीन दिख रहा है और बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। तो मेरे पास क्योंकि ये मटेरियल अवेलेबल था, आप क्या कर सकते हो माइक्रोफाइबर क्लोथ को ऑर्डर कर सकते हो जिसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और बाकी ये जो LCD स्क्रीनिंग क्लिनजिंग किट भी आपको मिल जाएगा आराम से, जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप इसको मंथली बेसिस पे मंथली या 15 डेज में आप आपके लैपटॉप को क्लीन रख सकते हो और इस तरह से आप मेंटेन रख सकते हो। और अगर आप आपका पुराना लैपटॉप किसी को दे रहे हो तो इस तरह से दोगे तो सामने वाले को यूज़ करने के लिए भी ऐसे लगेगा कि उसने नया लैपटॉप लिया है। और लैपटॉप देने के पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट इनसाइड कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको आई बटन में मैंने डिटेल्स दे दी है। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ प्लेजेंट संडे।